ये शक्ति के नौ स्वरूप हैं, मां के नौ स्वरूप हैं, जिनके भिन्न भिन्न आचरण, भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। हम इन सब का सम्मान, इन सब का पूजन करके इन्हें अपने अंदर धारण करने के लिए इस नवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक वह है जो सकारात्मक दिशा की ओर हमें ले जाती है। जैसे कि हम देखते हैं भगवान श्री राम में, जैसे हम देखते हैं उनके परम प्रिय भक्त आंजनेय में, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल धामम होने के साथ ही साथ वो ज्ञानियों में अग्रगण्य भी है, इसलिए सुपूजित है। केवल अतुलित बल धामम होने के कारण सुपूजित नहीं है, अतुलित बल तो रावण में भी था, लेकिन वह बल सुपूजित नहीं हुआ। वह बल यद्यपि त्रैलोक्य में विजयी रावण था, इसके बाद भी उस बल की पूजा नहीं हुई, उस बल की प्रशंसा नहीं हुई, उस बल को धारण करने का विचार ही किसी में नहीं आया। प्रतिवर्ष उसे हम प्रतीक रूप में जलाकर नष्ट करते हैं, क्योंकि वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक बन गया। जब शक्ति अनुशासित हो जाती है, जब शक्ति निर्बंध हो जाती है, जब शक्ति अहंकार पोषित हो जाती है, तब वह शक्ति त्याज्य हो जाती है। और जब शक्ति ज्ञान के आधार पर लोक मंगल और लोक कल्याण की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, तब वह सुपूजित होती है हनुमान और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति के रूप में। भगवान श्री राम चाहते तो पहले ही दिन समुद्र को सोख लेते और रास्ता उनके लिए लंका तक का निर्बाध हो जाता, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक समुद्र की पूजा की, उससे याचना की कि हमें एक अच्छे कार्य के लिए जाने का रास्ता प्रदान करें, पथ प्रशस्त करें। लेकिन विनय न मानत जल अधिकर, गए तीन दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति। यह जो भय का वातावरण निर्मित करने की बात आती है, यह तब आती है एक सकारात्मक शक्ति के मन के अंदर, जब उसे लगता है कि लोक कल्याण के लिए अन्य सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब एकमात्र यही रास्ता बचा है, तब वह शस्त्र उठाते हैं। और यहां पर भी मां भगवती के रूप में हम देखते हैं कि मां भगवती युद्ध को अंतिम क्षणों तक टालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब दुष्ट प्रवृत्तियां समाज को कष्ट पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिखाई पड़ती हैं, नहीं मानती, तब उन्होंने उनका संहार किया और पूरे समाज को कष्ट विहीन किया। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वयी विनाशकम्। सभी प्रकार की बाधाओं के प्रश्न की शमन हेतु मां भगवती ने नौ रूपों में जन्म लिया, नौ रूपों में प्राकट्य किया और इस प्रकार से पूरे समाज को निर्भय और प्रसन्न चित्त बनाया।